बच्चों में आज कक्षा 8 की कविता आत्मत्राण पढ़ाने जा रही हूँ, जिसके कवि हैं रविंद्रनाथ ठाकुर। विपदाओं से मुझे बचाओ, विपदाओं से मुझे बचाओ, यह मेरी प्रार्थना नहीं, यह मेरी प्रार्थना नहीं, केवल इतना हो, केवल इतना हो, कभी ना विपदा में पाऊं भय, कभी ना विपदा में पाऊं भय। दुख ताप से व्यथित चित को, दुख ताप से व्यथित चित को, ना दो संत वना नहीं सही, पर इतना होवे, पर इतना होवे, दुख को मैं कर सकूं सदा जय, दुख को मैं कर सकूं सदा जय। कोई कहीं सहायक ना मिले, कोई कहीं सहायक ना मिले, तो अपना बल पौरुष ना हिले, तो अपना बल पौरुष ना हिले। हानि उठानी पड़े जगत में, हानि उठानी पड़े जगत में, लाभ अगर वचना रही, लाभ अगर वचना रही, तो भी मन में ना, तो भी मन में ना मानूं शय। अब बच्चों इसके शब्द अर्थ है, ध्यान से सुना। विपदा का अर्थ है मुसीबत, दुख ताप का अर्थ है कष्ट की पीड़ा, व्यथित का अर्थ है दुखी, पौरुष का अर्थ है पराक्रम, वचना का अर्थ है धोखा, शय का अर्थ है नष्ट होना या नाश, अनुदिन प्रतिदिन, अनाम्य का अर्थ है रोग रहित। अब बच्चों मैं इसकी आपको व्याख्या बता रही हूँ। इन पंक्तियों में कवि रविंद्रनाथ ठाकुर ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, दुख और कष्टों से मुझे बचा कर रखो। मैं तुमसे ऐसी कोई भी प्रार्थना नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं तो सिर्फ तुमसे यह चाहता हूँ कि तुम मुझे उन दुख तकलीफों को झेलने की शक्ति दो। कष्टों के समय में मैं कभी ना डरूं और उनका सामना करूं। दुख की पीड़ा से दुखी मेरे मन को आप हौसला मत दो, परंतु हे प्रभु, मुझ में इतना आत्मविश्वास भर दो कि मैं हर कष्ट पर जीत हासिल कर सकूं। कष्टों से कहीं कोई सहायता करने वाला कभी ना मिले तो कोई बात नहीं, परंतु वैसी स्थिति में मेरा पराक्रम कम नहीं होना चाहिए। मुझे अगर इस संसार में हानि भी उठानी पड़े और लाभ से हमेशा वंचित ही रहना पड़े तो भी कोई बात नहीं, पर मेरे मन की शक्ति का कभी नाश नहीं होना चाहिए। अर्थात मेरा मन हर परिस्थिति में आत्मविश्वास से भरा रहना चाहिए। मेरा त्राण करो अनुदित तुम, मेरा त्राण करो अनुदित तुम, यह मेरी प्रार्थना नहीं, यह मेरी प्रार्थना नहीं, बस इतना होवे, बस इतना होवे, तरने की हो शक्ति अनाम्य, तरने की हो शक्ति अनाम्य। मेरा भार अगर लघु करके, मेरा भार अगर लघु करके ना दो संतावना नहीं सही, केवल इतना रखना अनुने, केवल इतना रखना अनुने, वहन कर सकूं, वहन कर सकूं, इसको निर्भय, इसको निर्भय, नत शीर होकर सुख के दिन में, नत शीर होकर सुख के दिन में, तब मुख पहचानूं छिन छिन में, तब मुख पहचानूं छिन छिन में। दुख रात्रि में करे वंचना, दुख रात्रि में करे वंचना, मेरी जिस दिन निखिल मही, जिस दिन निखिल मही, उस दिन ऐसा हो करुणा में, तुम पर करूं नहीं कुछ संचय, तुम पर करूं नहीं कुछ संचय। बच्चों अब इसके शब्दार्थ ध्यान से सुनना। अनुने का अर्थ है विनय, नत शीर का अर्थ है सिर झुकाकर, दुख रात्रि का अर्थ है दुख से भरी रात, संशय का अर्थ है संदेह या शक, वंचना का अर्थ है धोखा, निखिल का अर्थ है संपूर्ण, करुणामय का अर्थ है दया करने वाला। बच्चों मैं इसकी
व्याख्या कर रही हूँ, वो आप ध्यान से सुनेंगे। इन पंक्तियों में कवि रविंद्रनाथ ठाकुर ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, मेरी आपसे यह प्रार्थना नहीं है कि आप प्रतिदिन मुझे भय से दूर रखें, आप केवल मुझे निरोग अर्थात स्वस्थ रखें, ताकि मैं अपनी शक्ति के सहारे इस संसार रूपी सागर को पार कर सकूं। मेरे कष्टों के भार को भले ही कम ना करो और ना ही मुझे तसल्ली दो, आपसे केवल इतनी प्रार्थना है कि मेरे अंदर निर्भयता भरपूर डाल दे, ताकि मैं सारी परेशानियों का डट कर सामना कर सकूं। सुख के दिनों में मैं डट कर सामना कर सकूं, एक क्षण के लिए भी ना भूलूं, अर्थात हर क्षण आपको याद करता रहूं। दुख से भरी रात में भी अगर कोई मेरी मदद ना करे, तो भी मेरे प्रभु मेरे मन में आपके प्रति कोई संदेह ना हो, इतना ही मुझे शक्ति देना। बच्चों, ये आपकी अब कविता खत्म हो गई है। इसके मैंने आपको प्रश्न उत्तर दिए, वो ध्यान से करना आप।